अयोध्या विवाद की सुनवाई से हटा बड़ा रोड़ा, सर्वोच्च अदालत ने 94 का फैसला रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या जमीन विवाद पर सुनवाई का रास्ता हुआ साफ, 29 अक्टूबर से होगी सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हुआ मंदिर बनाने का रास्ता। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान, मुस्लिमों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। व्यभिचार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा अपराध नहीं है शादी के बाद संबंध। व्यभिचार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर ओवैसी का निशाना, कहा क्या 3 तलाक पर असंवैधानिक अध्यादेश को वापस लेगी सरकार। शिव भक्त के बाद राम भक्त अवतार में दिखे राहुल गांधी, चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर में पूजा। चित्रकूट में लगे बड़े बड़े पोस्टर्स में राहुल गांधी को पंडित के वेश में दिखाया गया, बीजेपी का तंज, जरूरत के हिसाब से भगवान बदलते हैं राहुल। योग गुरु रामदेव के हरिद्वार स्थित गुरुकुल आचार्य कुलम का अमित शाह ने किया उद्घाटन, यज्ञ में शामिल। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने के बाद 2 दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया, इस वीडियो में भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीरें दर्ज है। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के हलदरपुर में सड़क हादसे पर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस गाड़ी में लगाई आग, पुलिस का लाठीचार्ज। प्राइवेट बस ने स्कूल की बाउंड्री तोड़कर ऑटो में मारी थी टक्कर, 12 छात्र जख्मी, 3 गंभीर। लखनऊ के गोमती नगर थाने में महिला का हंगामा, पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। सरकारी योजना के तहत मोबाइल फिश पार्लर चलाती थी महिला, यातायात बाधित करने के आरोप में पुलिस ने जब्त किया था ठेला। 2007 दंगे में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने वाला परवेज परवाज रेप केस में गिरफ्तार, दूसरे आरोपी जुम्मन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में शास्त्री म्यूजियम का किया उद्घाटन, कहा शास्त्री जी ने खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बनाने की दी प्रेरणा। यूपी के सरधना से विधायक संगीत सोम के घर पर बदमाशों का गोली और हथगोले से हमला, ग्रेनेड ना फटने से टली बड़ी वार्ता। मेरठ केस में सामने आया नया वीडियो, छात्रा के साथी की पिटाई करते नजर आ रहे हैं बीएचपी कार्यकर्ता। मुरादाबाद के नागफरी इलाके में बिजली चोरी चेकिंग करने गई टीम पर स्थानीय लोगों का हमला, बाद में हेलमेट पहनकर पहुंचे बिजली कर्मचारी। बांदा में डीएम ऑफिस में हटाई गई भगवा कुर्सियां, आगंतुकों के लिए कल लगाई गई थी भगवा कुर्सी। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 16वां दिन, मादीपुर में पार्षद सुनीता कांगड़ा के घर कूड़ा फेंक कर किया प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से दिल्ली के कई इलाकों में लगा कूड़े का अंबार, सफाई कर्मियों ने मांग, कहा मांग पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल। सफाई कर्मचारियों के पक्ष में आए पूर्वी दिल्ली के मेयर विपिन बिहारी, कहा कमिश्नर के अड़ियल रुख से खत्म नहीं हो पा रही हड़ताल। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का ड्यू प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, त्रिपक्षीय करार का विरोध। यूपी पुलिस की हिरासत में दिल्ली के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन फरार, इलाज के लिए लाया गया था सफदरजंग अस्पताल, AK-47 रखने के हैं आरोपी। शामली के कांदला में पुलिस ने दर्ज किया 5 साल के बच्चे के खिलाफ धारा 326 का मुकदमा, एसपी ने दिए जांच के आदेश। बुलंदशहर के बराल रोड पर रंगदारी का पैसा लेने पर बदमाशों का पुलिस के साथ मुठभेड़, 1 गिरफ्तार, 2 फरार। महाराजगंज में वसूली करने आए 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा। अनूप शहर में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश विकास गिरफ्तार। हापुर में ड्रग्स तस्करी में महिला समेत 2 गिरफ्तार, 30 पुड़िया कोकीन, 0.5 किलो चरस। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में महिला का वीडियो बनाते लड़का गिरफ्तार, लेकिन महिला ने दर्ज नहीं कराई शिकायत। दिल्ली के उस्मानपुर सिग्नेचर ब्रिज पर बाइक और कार की टक्कर, 3 जख्मी, 1 की मौत। दिल्ली के वसंतपुर में बाल बाल बची कार ड्राइवर और सवारी की जान, अचानक कार में लगी थी आग। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में दिगंबर जैन मंदिर से लौट रही महिला को चेन स्नैचर ने बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं गाजीपुर मुर्गा मार्केट के कारोबारी, कोर्ट ने मुर्गा काटने पर लगाई है रोक। मुजफ्फरपुर में मेयर की हत्या के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का प्रदर्शन, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग। पार्टी कार्यकारिणी में शामिल हुए महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता सीएम फडणवीस, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे।
जमशेदपुर से शुरू हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की संघर्ष यात्रा, करीब 500 कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। राजस्थान विधानसभा चुनाव का टिकट चाहने वाले कांग्रेसियों की दिल्ली में भीड़, पार्टी के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे से मिलने के लिए लगी कतार। शिवपुरी में करनी सेना यशोधरा राजे को दिखाए काले झंडे, SC ST एक्ट और आरक्षण खत्म कराने के लगाए नारे। बड़गांव इलाके में मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, स्थानीय लोगों ने जवानों पर पथराव किया। अनंतनाग में लश्करे तैयबा का आतंकी आसिफ मलिक ढेर, एक जवान गंभीर रूप से जख्मी। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने श्रीनगर में आयोजित किया तैराकी और रेस्क्यू कोर्स, पिछले कुछ महीनों से इलाके में डूबने की कई घटनाएं हुई। देहरादून के होटल में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़कियां 2 लड़के गिरफ्तार। देवरिया पुलिस की साइबर सेल की बड़ी कामयाबी, गुम हुई 29 मोबाइल फोन जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से अधिक की ब्राजीलियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी काली मिर्च, मटर, मकई जब्त। मुजफ्फरपुर के बीबीगंज इलाके में जूनियर इंजीनियर अक्षय कुमार ने की खुदकुशी, कथित तौर पर भाई से हुई थी कहासुनी। बिहार में भोजपुर के मोपती बाजार में जमीन के झगड़े में अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत, 2 जख्मी। हाजीपुर के लालगंज बाजार में CCTV की मदद से पकड़ा गया चोर, दुकान से बिजली का मोटर चुराने की कोशिश का आरोप। पटना के आलमगंज इलाके में मंदिर में चोरी करते धरा गया बदमाश, लोगों ने की जमकर पिटाई। मंदसौर में ABVP छात्रों की गुंडागर्दी, क्लास के बाहर नारेबाजी करने से रोकने पर प्रोफेसर से माफी मांगने और भारत माता की जय के नारे लगाने को कहा। छात्रों की गुंडागर्दी का प्रोफेसर ने गांधीगिरी से दिया जवाब, कहा एक शिक्षक से माफी मंगवाना चाहते हैं वो, पैर छू कर मांगूंगा माफी। ग्वालियर के स्नेहालय शेल्टर होम में एक बधिर बच्चे की संदिग्ध मौत, हफ्ता भर पहले बच्ची से रेप को लेकर चर्चा में आया था स्नेहालय। मध्य प्रदेश के श्योपुर में करंट से बिजली ऑपरेटर की मौत पर भड़का गुस्सा, हाईवे पर जाम। भोपाल में युवक का ड्रामा, मांग मनवाने के लिए CM हाउस के पास टार पर चढ़ा। राजस्थान के धौलपुर के भीलगवां में 2 पक्षों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी। झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में हुई हिंसा, गांव में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। झालावाड़ में पाटीदार समाज का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, दारोगा पर बदतमीजी का आरोप। भरतपुर में गौ तस्करों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पलटी, 5 लोग हो गए जख्मी। धौलपुर में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का 11वां दिन, UP की 2 बसों को डिपो में बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश के बाराचला में बर्फ से ढके पहाड़ पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, 24 लोगों को बचाया गया। कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा जिले में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन 3रे दिन भी जारी, करीब 400 लोगों के फंसे होने की आशंका। लाहौल स्पीति में सेना के 5 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाए गए सैलानियों ने कहा 7 दिन से छोटा देरा में फंस गए। बचाए लोगों ने सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, रेस्ट हाउस के 2 कमरों में भूखे प्यासे राहत का इंतजार कर रहे थे 50 लोग। असम के 2 जिलों में बाढ़ से हजारों लोग फिर बेघर, बागसा, बारपेटा, नालबाड़ी और दरांग जिले के कई इलाके जलमग्न। पुणे के डांडेकर पुल इलाके में सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर, खड़गवासला बांध की दीवार ढहने से आया पानी। करीब 2 घंटे तक बांध से बहता रहा पानी, निचले इलाकों में कई घरों में घुसा बांध का पानी। केंद्र के अध्यादेश के बाद बिजनौर के देहात थाना क्षेत्र में 3 तलाक का पहला केस दर्ज, महिला ने लगाया फोन पर तलाक का आरोप। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शर्मनाक वारदात, खेत में बकरी घुसने के विवाद में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, अब तक गिरफ्तारी नहीं। बेंगलुरु के कलकेरे लेक में पहुंचा सीवेज का गंदा पानी, कुछ महीने पहले ही 22 करोड़ खर्च कर झील की हुई थी सफाई। जिले के साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर पेड़ पर अजगर मिलने से हड़कंप, 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पर लाया गया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास ज्वेलर्स से लूट, स्कूटी सवार 4 बदमाशों ने 6 किलो चांदी लूटी। थाने में संदिग्ध मौत पर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, कोर्ट ने पूछा आरोपी पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई। झारखंड के गिरिडीह से नक्सली नेता बलदेव गिरफ्तार, निशानदेही पर हथियार और विस्फोटक बरामद। दिल्ली के लोधी रोड स्थित चिन्मय मिशन सभागार में शांति गोष्ठी का आयोजन। हरियाणा के जिंद में पानी से भरे अंडरपास में फंसी रोडवेज बस, मुसाफिरों ने तैर कर बचाई जान। बैरिकेड पर टक्कर को लेकर संगरूर के भवानीगढ़ नेशनल हाईवे पर 2 एम्बुलेंस चालकों और टोल कर्मियों के बीच भिड़ंत, 1 जख्मी। दुकान मालिक की दिलेरी से फरीदकोट में लूट की कोशिश नाकाम, लुटेरों की गोली से दुकानदार का पिता जख्मी।
संभल से भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स का जखीरा बरामद। नारकोटिक विभाग की चार जिलों की टीम ने छापेमारी की। बिहार के छपरा में शौचालय की शटरिंग खोलने उतरे तीन मजदूरों की हो गई मौत। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। राजकोट में बिल्डर्स पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 44 बिल्डर्स और फाइनेंसर्स के ठिकानों पर छापा। कर्मचारी को निकाले जाने पर गुजरात के पाटन के हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी में पाटीदार कार्यकर्ताओं का बवाल। कुलपति बर्थे की स्याही। राजकोट में धोराजी के कांग्रेस विधायक ललित वसोया का अनोखा प्रदर्शन। मुफ्त में बांटा लहसुन। राजकोट में ज्यादा पैदावार की वजह से 1 रुपए किलो बिक रहा है लहसुन। कांग्रेस ने सरकार से की समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग। यूपी के रामपुर में 2 दिन पहले मिली शव की गुत्थी सुलझी। 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी 4 की तलाश। कानपुर के जाजमाऊ में अवैध इमारतों पर एक्शन। केडीए ने किराई कई बिल्डिंग्स। रायबरेली के मलिकमाऊ रेलवे क्रॉसिंग पर 3 युवकों का शव मिलने से सनसनी। कई घंटों तक सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। लखीमपुर जिले के पढ़ुआ गांव में लेखपाल की दबंगई। बंदूक की नोक पर तोड़वाई। प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे घर की नींव। अलीगढ़ जिले में जानलेवा बुखार का कहर। 24 घंटे में 7 की मौत। बांदा में टीले की खुदाई के दौरान एक घड़े से मिले 111 मुगल कालीन सिक्के। जांच के लिए पुरातत्व विभाग को सौंपा। एआईएडीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की उड़ाई धज्जियां। रोक के बावजूद चेन्नई में 1 किलोमीटर तक लगाए बैनर्स और होर्डिंग्स। तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रिवात रेड्डी और उनके भाई के घर पर आयकर विभाग का छापा। सूत्रों के मुताबिक आय से ज्यादा बेहिसाब संपत्ति मामले में रेड। वारंगल के एमजीएम अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी, लेकिन कोई नुकसान नहीं। पितृपक्ष पर रामेश्वर में बड़ी तादाद में लोगों ने किया पिंडदान। रुड़की के पास लक्सर में चाइनीज मांझे से हादसा। रेलकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। मुंबई में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर लॉन्च। समारोह में जुटे कई सितारे। नाना पाटेकर पर अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के आरोपों पर बिग बी और आमिर खान ने साधी चुप्पी। बिग बोले, ना मैं नाना पाटेकर हूं ना मैं तनुश्री दत्ता। उधम सिंह नगर के सितारगंज में मगरमच्छ आने से हड़कंप। ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व जोन के बफर जोन में किसान पर बाघ का हमला। लोगों के शोर मचाने पर भागा बाघ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के नैनौली गांव में शिकारियों ने आदमखोर तेंदुए को मार गिराया। सरकार ने दी थी मारने की मंजूरी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।